जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम बानी, तुम जब भी इस तरह चुपचाप अकेले में बैठती हो, इसके दो ही कारण होते हैं। या तो तब बैठती हो जब मैं तुम्हें डांटता हूं, अब मैंने तुम्हें नहीं डांटा है, करेक्ट? या फिर तब बैठती हो जब मैं तुम्हारा कोई रूल तोड़ता हूं, अब मैं वादा करता हूं मैंने तुम्हारा कोई रूल नहीं तोड़ा है। मैं वक्त पर सोता हूं, वक्त पर उठता हूं, मीठा नहीं खाया मैंने, अरे ड्रिंक भी नहीं पी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम बानी? मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है बानी? वो एक्चुअली मैं आपके फैसले से बहुत खुश हूँ। गंगा काम पर जाएगी, विक्की भी बुरा नहीं मान रहा है। अरे भाई, अगर सब कुछ सही लग रहा है तुम्हें तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर वालिया, वो क्या है ना कि विक्की उस दिन की बात को लेकर अब तक मुझसे नाराज है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है वो। ओफो बानी, इतनी छोटी सी बात तुम भी ना। मिस्टर वाले, आप इसे इतनी सी बात कह रहे हैं? अच्छा सॉरी, जस्ट रिलैक्स बानी, मैं हूं ना, आई विल हैंडल दिस। अगर विकी नाराज है तो फिर मुझसे नाराज है ना। मैं अभी जाके उसके कान पकड़ता हूँ और उसको कहता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी माँ से बात कर। डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम। मुझे एक बहुत अच्छी बात बतानी है आपको। क्या? मुझे विक्की मिला था और वो बहुत खुश लग रहा था। अच्छा? हाँ दी, मुझे तो लगता है आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आपको और विक्की का पैचअप जरूर हो जाएगा। मतलब ये कि विक्की सोनाली से आज कुछ ऐसा पूछने वाला है जो उसकी सारी जिंदगी बदल देगा। सच्ची? सच्ची, विक्की ने खुद मुझे बताया। कितनी अजीब बात है ना, विक्की अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है और उसने मुझे पूछा तक नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है। क्या हुआ दी? आप भी ना 1947 की टेंजेंट पे चले गए हो। विक्की ने आज तक सोनाली के बारे में आपसे कुछ छुपाया है क्या? और सोनाली भी तो हमारे घर में इतने दिनों से रह रही, वो भी तो कितनी अनकंफर्टेबल होगी ना। ये अधूरा रिश्ता पूरा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। और वैसे भी आजकल के बच्चे पहले फैसला ले लेते हैं और फिर बाद में बताते हैं। सो जस्ट बानी दी, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी मेरे बच्चों के बचपन में मैं उनके साथ ना रही हूँ, लेकिन अब मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनका साथ देना चाहती हूँ, उनका हर एक वो पल मैं उनके साथ बिताना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू मिस इट रियली। यस बानी दी, ये मौका अपने हाथों से बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि सोनाली तो विक्की को हाँ कह ही देगी और उसके बाद दोनों आशीर्वाद लेने तो आप ही के पास आएंगे। After all, आपके अप्रूवल के बिना वो शादी थोड़ी करेंगे। I'm so happy for Vicky and thank you so much, Pia. मैं ये मौका सच्ची में नहीं गवाऊंगी। मैं विक्की से जरूर बात करूंगी। सॉरी सर, अंदर मीटिंग चल रही है। उनसे कहो मैं आया हूँ। आई एम सॉरी सर, उन्होंने मुझे मना किया है कि किसी को भी अंदर न भेजो। समझिए सर, मेरी नौकरी का सवाल है। ओके। पता नहीं गंगा दी ने अचानक से ऐसा क्यों किया। टी ने अगर ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन इस चेक पर उनका साइन लेना बहुत जरूरी है।
मैं अपने कैबिन से अपना फोन लेकर आता हूँ। ठीक है सर। It is a pleasure meeting you, Miss Ganga. We didn't expect this meeting to wrap up so soon, but everything's smoothly. Thank you, Mr. Steven. I hope आगे भी हमारी डील स्मूथ ही रहेगी। Sure. It was nice meeting you. Bye. 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 एक काम करती हूँ, पापा को बताती हूँ। इससे अच्छा घर चली जाती हूँ। कॉन्फ्रेंस हॉल खाली क्यों? सर मीटिंग तो खत्म हो गई है और सब लोग चले गए। व्हाट? मीटिंग खत्म हो चुकी है और सब चले गए? तुमने गंगा जी को बताया मैं आया था? वो सर मीटिंग खत्म होते ही सब लोग इतने जल्दी निकल गए कि मैं किसी को बता ही नहीं पाया। ठीक है गॉड, क्या करूँ, 5:15 तो यही बच गए। 2 घंटे में ज्वेलरी शॉप पहुँचना है और इससे गंगा जी की चाइन भी लेना। फोन क्यों नहीं उठा रही? ऋषि जी को लगा तो अब ये ऋषि जी जो फोन क्यों नहीं उठा रहे, घर पर कॉल करता हूं। हेलो हेलो वरुण भैया, गंगा दी का फोन पे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, वो पिकअप नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर आए आप उनसे कहना मुझे अर्जेंटली कॉल करें। ओके, पर एक बात बता, तू इतना टेंस क्यों लग रहा है? वो कुछ नहीं वरुण भैया, मुझे उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक पर साइन करवानी थी। टाइम बहुत कम है एंड इट्स वेरी अर्जेंट। तो उनसे कहना कि आई विल बी वेटिंग फॉर अ कॉल। ओके फाइन। ओके वरुण, क्या बात है? विकी से बात कर रहे थे, वो टेंस क्यों है? आई डोंट नो, ही वाज टॉकिंग अबाउट सम चेक, कि चेक पर उसे गंगा के साइन चाहिए, अर्जेंट लग रहा था कुछ। लेकिन गंगा थी मुझसे बिना पूछे डिसीजन क्यों? विकी, अरे सुना ली, किस डिसीजन की बात कर रहे हैं? नहीं वो कुछ नहीं, मुझे गंगा जी से एक चेक साइन करवाना था। चेक पर साइन? पर जहां तक मैं जानती हूँ विकी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तो तुम संभालते हो, फिर गंगा के साइन की जरूरत कैसे पड़ गई? हाँ वो एक्चुअली आज से सारे चेक्स गंगा जी साइन करेंगे। हो, इसका मतलब अब से हर चेक पे गंगा साइन करेगी एंड शी विल कीप एन आई ऑन यू। अभी तुम कहना क्या चाहती हो? Darling, you are not trying to understand the scene here. तुम बहुत भोले हो। तुम ये भी नहीं देख पा रहे हो कि गंगा तुम्हें ओवरशैडो करना चाहती है। Wow. For once, Jigyasa aunty was so right. आराम से। यार आदित्य, मजा आ जाता है जब बच्चे बिजनेस को इतनी अच्छी तरह हैंडल करने लगते हैं कि हम जैसे लोग रिटायरमेंट का मजा ले सकते। बिल्कुल पापा, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ, यू नो द मीटिंग वाज अ बिग सक्सेस, उन्हें मेरे प्रेजेंटेशंस और आइडियाज बहुत पसंद आए। बस मुझे तो मिठाई खाने का मौका मिल गया, मैं तो खा रहा हूँ भाई। रामू काका, फ्रिज में जितनी मिठाई पड़ी सारी ले जाओ। क्या हुआ पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तेरी कामयाबी और तेरी ये एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत खुश हो रही है। I'm very very happy for you. मामा, मामा ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। बिल्कुल नहीं, तुझे पता है ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। अगर तू इसी तरह मेहनत और लगन के साथ काम करती रहेगी ना, तो एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगी। गंगा, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। क्या बात कर रही है? विकी को मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत थी, ये बात मुझे पता ही नहीं है। मामा एक मिनट, बैंक शायद बंद हो गई हो लेकिन ज्वेलरी शॉप तब तक खुली है ना। मैं काम करती हूँ, आई जस्ट अरेंज फॉर द कैश। ओह नो, मम्मा विकी के 6 मिस्ड कॉल्स।
मेरा फोन साइलेंट मोड में था और मैं मीटिंग में थी, मैं फोन चेक करना ही भूल गई। मैं भी फोन लगाती विकी को। विकी थैंक गॉड तुम आ गए, मैं बस तुम्हें ही फोन कर रही थी। रियली? कहिए। विकी वो तुम? विकी तुम मेरे साथ ऊपर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो कम ऑन विकी। विकी अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मैनेज कर लेती ना। मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुम सोनाली को प्रपोज करने वाले हो एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तुम कितने अपसेट हो। खैर कोई बात नहीं, मैंने कैश की सारी अरेंजमेंट्स कर ली है, अब जल्दी जाओ और सोनाली के लिए रिंग खरीद लो। बात रिंग की नहीं है दी, बात यह है कि आपने मेरे डिपार्टमेंट का डिसीजन मुझसे बिना पूछे क्यों लिया, और जहाँ तक पैसों का सवाल है आप मुझे पैसे क्यों देने लग गई? पैसे तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने थे ना। विकी कैसी बातें कर रहे हो, पैसे चाहे मेरे अकाउंट से हो या तुम्हारे अकाउंट से, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है गंगा जी, बहुत फर्क पड़ता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन था, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से आज का दिन खराब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने वापस कोई गलती कर दी है जिसकी सजा मुझे मिले। विक्की मैंने कुछ कहा क्या? मैं सिर्फ घर जल्दी आ गई एंड दैट वाज नॉट द पॉइंट। दैट वाज नॉट द पॉइंट? देन व्हाट वाज द पॉइंट? आई टेल यू व्हाट इज द पॉइंट। द पॉइंट इज कि डैड आप पर मुझसे ज्यादा विश्वास करते हैं, आप मुझसे ओहदे में बड़ी हो। And you know what? आप ये दिखाना चाहती कि आप मुझसे ज्यादा कम्पिटेंट और एफिशिएंट है, इसलिए आपने बोर्ड मीटिंग को टेक ओवर किया ताकि आप मुझे नीचा दिखा सकें। विक्की तुम बेवजह बात को बढ़ा रहे हो। मुझे बात को बढ़ाने का कोई शौक नहीं गंगा जी, ये बात बढ़ाने के लिए मुझे आप मजबूर कर रही है। विक्की आई थिंक यू आर जस्ट ओवररिएक्टिंग, नथिंग एल्स। आई एम नॉट ओवररिएक्टिंग, आई एम रिएक्टिंग। और मैं आपको बता दूं आज जो हुआ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? आई एक्सेप्ट द फैक्ट आपको मुझसे बड़ी पोस्ट मिली है, मगर एक बात याद रखना, अगर आपने मुझे सप्रेस करने की कोशिश की तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सप्रेस करूंगी? What is wrong with you, Vicky? मैं तुम्हें सप्रेस क्यों करूंगी? आप तो आ गई ना अपनी डील फाइनल करके यहाँ पर ढिंढोरा पीटने कि आप कितनी एफिशिएंट है, आप कितनी बिजनेस माइंडेड है, लेकिन एक बार भी सोचा कि मैंने अगर इतनी बार कॉल किया तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। विकी मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, उसके पीछे भी एक वजह थी। मैं एक इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग में बैठी हुई थी और मेरा फोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए मैं अपना फोन चेक करना भूल गई। तो आप भूल गई? हाँ आप क्यों नहीं भूलेंगी, आप कंपनी की एमडी जो है। वाह वाह, आप जब से कंपनी की एमडी जो बन गई आपने एक बार वाले एम्पायर को बचा क्या लिया। गंगा दी आपकी नजरों में किसी की कोई औकात ही नहीं बची है। यू नो व्हाट, व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक यू टू बिग फॉर योर शूज। इनफ इज इनफ विकी, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स किए ताकि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो, ऊपर से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। विकी मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन मुझसे इस तरह से बात करेगी। और हेलो, तुम मेरे लिए कैश क्यों अरेंज करने लगी, वो मैं खुद कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। आप ये चाहती है कि मैं आपका मोहताज रहूं, आप जो कहें मैं वैसा करूं। I'm not gonna do that. ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये मैंने जानबूझ कर किया तो ऐसे ही सही, आज के बाद ऐसे ही होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कंपनी में मेरा क्या हक है, गलती की मैंने जब तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने यहाँ चली आई। ओके, तो अब मैं भी आपको दिखाऊंगा कि एक वीपी का एक कंपनी में हक क्या होता है, और मैं भी देखता हूं कि आप अपनी पावर्स किस तरह से मुझे दिखाते हैं। और आपको हकीकत का आईना मैं दिखाऊं। लो सच गया मेरा कुरुक्षेत्र, लगा दी मैंने चिंगारी, और अब आज रात की पार्टी में भड़के की आग और होगी आतिशबाजी। तुम्हारी बर्बादी शुरू होने की खुशी में बनी वेट एंड वॉच, क्या होगा मेरा अगला प्रहार। बिल्कुल सही कहा तुमने जय। यू नो जय, कभी कभी विक्की और गंगा में मैं और तुम नजर आते हैं ना। गंगा आ गई। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं मम्मा, अब बस निकलती हूँ। बाय एवरीवन। अरे गंगा तू जा कहाँ रही है? वो पापा एक्चुअली ऋषि मेरा इंतजार कर रहा है, लेट हो रही हूँ। बाय। ठीक।
गंगा जी मैं क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही है तू। विकी ने कुछ कहा? कुछ नहीं मैम, बस मैं खुश हूं कि मेरा भाई विकी बड़ा हो गया। विकी ने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की, मुझसे छोटा है वो। आज तक उसने मुझसे ऐसी बात नहीं की है। एक तो मैं उसकी मदद करने गई थी, ऊपर से वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा था। काश काश ये मेरे कुकर हाथ में होता, उसके सर पे पटक देती थी मैं। अरे गंगा आराम से। गंगू तुम अपना गुस्सा इन बर्तनों पे क्यों उतार रही हो? तुम्हें इनमें भी विक्की नजर आ रहा है क्या? क्या गंगा सुनो, विक्की तुम्हारा छोटा भाई है, हो जाता है कभी कभी ये सब। देखो जो भी कुछ विक्की के साथ हुआ है ना, वो अगर किसी के साथ भी होता तो जितना रिएक्ट वो कर रहा है उतना जायज है। और गलतियां किससे नहीं होती गंगा, तुमसे मुझसे सबसे गलतियां होती है ना। कल वो पक्का तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा गंगा दीदी आई एम सॉरी, और तुम उसे माफ कर दोगी क्योंकि तुम बड़ी हो। और अगर वो फिर भी नहीं माने ना, तो जाकर उसको जोर से दो थप्पड़ मार देना, आई एम श्योर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पक्का प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, चल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस काम का क्या, ये काम तो होता रहेगा, ये काम है ना, ये तुम कर लेना। अनुषी थैंक्स, मेरी और विकी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के। गंगा हेलो बानी माँ, कैसी हैं आप? वो गंगा एक्चुअली फोन यही भूल गई है। कैसी है वो अब? जब यहाँ घर से निकली थी तो बहुत अपसेट थी। हाँ माँ एक्चुअली अभी वही बता रही थी कि विक्की की और उसकी थोड़ी बहुत अनबन हो गई है। जिस चीज का डर था वही हुआ। मतलब कोई बड़ा इशू है क्या? बड़ा इशू ऋषि, ये तो अब रोज की बात बनती जा रही है। मैं समझा नहीं माँ, रोज की बात मतलब? ये सब जिज्ञासा आंटी की वजह से हो रहा है। जिज्ञासा आंटी? हाँ ऋषि। ओह गॉड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ बानी माँ। मैं भी तभी सोच रहा था कि रोज और इनके बीच में ऐसी अनबन क्यों हो रही है। लेकिन ऋषि अब इसका हल निकालना होगा। मैं चाहती हूँ कि विकी और गंगा के बीच में सुलह हो जाए। उसके लिए मैंने एक पार्टी अरेंज की है। तुम गंगा को लेकर वहाँ पर आना और गंगा को बताना मत, ये उसके लिए सरप्राइज है। जी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं गंगा को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा और उसे ये भी नहीं बताऊँगा कि वहाँ पार्टी है। चलो फिर घर पर मिलते हैं। ओके जी माँ। बहुत हो गया, आई कांट टेक दिस एनीमोर। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया और गंगा मेरे सरप्राइज प्लान को लेके इतना परेशान मत हो। तुमने मेरे बारे में सोचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए उतना ही काफी है विकी। बात वो नहीं है सुनानी, बात ये है कि आज जो हुआ वो मैं रोज रोज नहीं होने दूँ। क्या मतलब विकी? I don't believe this। गंगा दी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, हमेशा मुझे डैड की डांट से बचाती थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। इस बिजनेस ने हमारे रिश्ते को खोखला कर दिया। इससे पहले की बात आगे बढ़े, मैंने इसका हल निकाल लिया। I'll resign। और आजाद पार्टियों में मैं ये सबको बता दूंगा। विकी के इस रिएक्शन के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, हर बात को अपने फायदे की तरफ मोड़ना जिज्ञासा के लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं किसी भी कीमत पर भाई बहन के इस रिश्ते को सुधरने नहीं दूंगी। मुस्कुरा के जीवन।